लॉकडाउन के चलते इन दिनों मृतकों के अस्थि कलशों को भी विसर्जन का इंतजार है, लेकिन जयपुर जिले के चौमू विधानसभा क्षेत्र के लोगों की पीड़ा को समझते हुए विधायक रामलाल शर्मा ने अनूठी पहल की है। लॉकडाउन के दौरान चौमू क्षेत्र में करीब 100 लोगों की सामान्य मृत्यु हुई है और ऐसे में मृतकों के अस्थि कलशों का विसर्जन नहीं हो पाया, जिसके चलते विधायक की पहल पर चौमू से हरिद्वार के लिए बस की व्यवस्था की जा रही है। वहीं रजिस्ट्रेशन के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है और इस पर कॉल कर संपर्क किया जा सकता है। जीवन में कई कार्य ऐसे हैं जो नितांत आवश्यक है, लेकिन लॉकडाउन के चलते उन कार्यों को हम नहीं कर पाए। चौमू विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी कई परिवार ऐसे हैं कि जिनके परिवार में मृत्यु होने के उपरांत उनके अस्थियों का विसर्जन जो हरिद्वार के अंदर किया जाता है वो नहीं कर पाए। इसलिए ऐसे परिवारों की समस्या को देखते हुए हमने एक निःशुल्क बस की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं और उस बस के अंदर सोशल डिस्टेंस की पालना करना भी हमारे लिए नितांत आवश्यक है, क्योंकि ये बीमारी एक बहुत ही गंभीर बीमारी है और ये संक्रमण के माध्यम से ये बीमारी फैलती है। इसलिए एक ही परिवार के दो सदस्यों को हमने निर्धारित किया है कि ऐसे परिवार जिनकी अस्थियों का विसर्जित करने के लिए एक परिवार के दो सदस्य अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, उस रजिस्ट्रेशन का कोई शुल्क नहीं है और जैसे जैसे संख्या हमारे पास आएगी वैसे वैसे बसों की व्यवस्था हम करेंगे। और ये पूरा कार्य इस हमारे ऑफिस का काम जो देखते हैं कैलाश जी, उनका हेल्प नंबर है उनके 9828164255, ये उनके मोबाइल नंबर है, आप अपना पंजीयन इनके मोबाइल के ऊपर करवा सकते हैं। जब भी बस की व्यवस्था होगी तो आपको सूचना दे दी जाएगी।